हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो दोस्तों, पैसा हमारे लिए बहुत ही एसेंशियल हो चुका है और इसके बिना हमारे जरूरतों को पूरा करना लगभग इम्पॉसिबल है। सो दोस्तों, पैसा कमाने के बहुत सारे तरीके हैं। कई लोग जॉब करते हैं, कई लोग बिजनेस करते हैं और कई लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो मैं आपको इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड शेयर मार्केट के बारे में बताने वाला हूँ कि शेयर मार्केट क्या है और यह कैसे काम करता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, शेयर मार्केट क्या है इसे समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहता हूँ। तो दोस्तों, एक कंपनी है एक्स और उस कंपनी के 100 हिस्से हैं। तो अगर आप उस 100 हिस्से में से किसी एक हिस्से को खरीद देते हो तो आप उस 100 हिस्से में से एक हिस्से के मालिक बन जाते हो। इसका मतलब यह है कि उस कंपनी में आपका 100% में से 1% का शेयर है और आप 1% के मालिक हो। सो फ्रेंड्स, अब चलिए जान लेते हैं कि इसमें इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए सबसे पहले आपको एक अपना डीमैट अकाउंट खुलवाना होगा और उस डीमैट अकाउंट को खुलवाने के लिए आपके पास एक सेविंग अकाउंट होना बहुत जरूरी है। और दोस्तों, डीमैट अकाउंट खुलवाने के दो तरीके हैं। या तो आप बैंक जाकर डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हो या फिर किसी ब्रोकर साइट से अपने डीमैट अकाउंट को ओपन करवा सकते हो। तो दोस्तों, मैं सजेस्ट करूंगा कि आप किसी साइट से अपने डीमैट अकाउंट को ओपन कीजिए, क्योंकि अगर आपने किसी साइट से डीमैट अकाउंट को ओपन किया तो आपके इन्वेस्टमेंट के अनुसार वो आपको किसी कंपनी को सजेस्ट करते हैं कि आप उस कंपनी में अपने पैसे को इन्वेस्ट करें। दोस्तों, डीमैट अकाउंट खुलवाने के लिए बहुत सारे साइट्स हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स हो गया, जीरोधा हो गया, इस तरह से बहुत सारे साइट्स हैं जिसमें आप अपने डीमैट अकाउंट को खुलवा सकते हो। दोस्तों, डीमैट अकाउंट में आपके शेयर के पैसे रखे जाते हैं। जिस तरह से आप किसी बैंक में पैसे रखते हो, ठीक उसी तरह से आपके डीमैट अकाउंट में भी पैसे रखते हैं। और अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपके पास डीमैट अकाउंट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर किसी कंपनी को प्रॉफिट होता है तो आपको वह सीधे आपके डीमैट अकाउंट में पैसे भेजता है। उसके बाद आप उस पैसे को अपने सेविंग अकाउंट में लेकर उसे खर्च कर सकते हो। इसलिए आपके पास डीमैट अकाउंट होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, इंडिया में मेन टू स्टॉक एक्सचेंज है। पहला है NSE और दूसरा है BSE। NSE का फुल फॉर्म होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE का फुल फॉर्म होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। दोस्तों, इसी के थ्रू आप किसी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो और इसी के थ्रू किसी भी कंपनी के शेयर खरीद या फिर बेच सकते हो। और दोस्तों, मैं आपको सजेशन देना चाहूंगा कि अगर आप किसी भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो आपको एक अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए जो कि बहुत पुराने समय से चलती आ रही हो और आपके पैसे डूबने के चांसेस कम हो। इसलिए आपको इन्हीं कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि शेयर मार्केट क्या है और इसमें इन्वेस्ट करने से पहले आपको क्या करना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।